हाँ, हम बात voiceofbharat.org प्रस्तुत करते हैं। मिस्टर सत्य प्रकाश फौजदार भरतपुर से, जी, बताइएगा सर। मैं इसमें सेक्रेटरी हूँ और हमारी संस्था राजस्थान में 6 डिस्ट्रिक्ट में काम कर रही है। कौन से विषय पर काम करती है सर आपकी संस्था? एनिमल और रिसर्चन। और किस तरह की समस्याएं हैं आपके वर्क एरिया में सर? एनिमल के लिए अपन तो यहाँ पे हमारी मोबाइल टीम है और डिस्पेंसरी है, सेल्ट हाउस है। क्या है कि वैसे तो यहाँ हॉस्पिटल वगैरह है सिटी के आसपास, तो बल्ले से जो रूरल एरिया है वहाँ पे सुविधा कम दे रही है गवर्नमेंट अभी। अब एक्चुअल क्या है कि आपको मैं बताऊंगा, हॉस्पिटल जो डॉक्टर लगा रखे हैं छोटे छोटे बना रखे हैं उनपे, अब उनको पता ही सरकारी डिपार्टमेंट में तो आप तो वो जो हाजिरी लगाते हैं बहुत कम काम करते हैं, तो इसलिए अपन तो वहाँ धाम वाम का जा करके टीकाकरण वगैरह करना, स्वास्थ्य चेकिंग करना, और अपने जैसे एक्सीडेंट वगैरह है या कोई आवारा जानवर वगैरह है उसको कोई एक्सीडेंट हो जाता है या बीमार हो जाता है उसको ला करके उसका ट्रीटमेंट करना, और सही हो जाता है तो फिर अपने सेल्टर हाउस में उनको रखना है या फिर किसी को पलवा देना है, कोई अच्छा आदमी मिल जाए। एनिमल में कुछ है छूत के रोग हैं वो तो पूरे एरिया में चलते हैं, जैसे गलाघोटू वगैरह है, खुरपका है, तो ये क्या है कि जैसे एक एरिया में फैल गया तो वो फैलता हुआ चला जाता है वो ज्यादातर, उसके तो लिए उनके पहले सर उनके लिए टीकाकरण करते हैं पहले,